Radhika got with the session number 4th of your chapter, Improvements in Food Resources. And in this session, we are going to discuss about crop production management. So guys, जो farming है उसके 3 steps मैंने आपको starting में बताई थी, crop variety management, crop production management and crop protection management. Crop variety management के बारे में हमने last session में study कर लिया था. So in this session, we are here going to study about crop production management. So the guys thing is, what crop production management actually is? Actually, it refers to controlling the various aspects of crop production for vast yield. ये क्या है? Various aspects of crop production के लिए control करके रखना, best yield लेने के लिए हमें crop production management हम उसे बोल सकते हैं. That is, हमें क्या करना है? Best yield gain करने के लिए हमें क्या करना है? जो various aspects हैं crop production के, उन्हें control करके रखना है. Clear? That it refers to the controlling the various aspects of crop production for best yield. It includes management of nutrients, irrigation and cropping pattern. ये क्या है? ये include करता है management of nutrients. जो nutrients हैं उनका management proper हो, irrigation हम proper provide करें और cropping pattern भी हम proper apply करें, ताकि जो हमारी food है, जो crop है, वो productive हमें gain हो. Clear? So the thing is, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सबसे पहले कोई भी चीज आती है तो उसमें आएगा न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट. क्लियर? इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप्स. इसमें क्या होता है? सिलेक्शन करना है हमें, उनकी टाइमिंग देखनी है और कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा क्रॉप्स पे, इस सबका ध्यान रखना होता है. क्लियर? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑफ द क्रॉप्स. जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अमंग द 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय सॉइल, 6 आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज. टोटल 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल सप्लाई करती है, जिसमें से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इन्हीं को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. सेट क्लियर? दे आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर हुए, ये 6 क्या है? ये 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है. इसके बाद आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. दिस इंक्लूड्स द 7 न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज. ये वो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के द्वारा एक स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन. ये 7 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे प्लांट्स को स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं. तो समझ आया डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट लार्ज क्वांटिटी में इंटेक करते हैं सॉइल से, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट स्मॉलर क्वांटिटीज में इंटेक करते हैं फ्रॉम द सॉइल. क्लियर हुआ? तो अब बात कर लेते हैं हम अबाउट मैन्योर. मैन्योर जो है ये हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक सबसे परफेक्ट वे है. हम मैन्योर के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में, फर्टिलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट सेशन में, और भी आगे सेशंस में हम डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, मिक्स क्रॉपिंग एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम इस सेशन में मैन्योर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो मैन्योर होते क्या है? मैन्योर आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स. जो मैन्योर है वो क्या है? वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं. दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट विच सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ये जो सब्सटेंस होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होते हैं और ये सॉइल को स्मॉल क्वांटिटीज में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और सॉइल के थ्रू प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर सकते हैं. समझ में आया? दैट मैन्योर्स आर द नेचुरल फर्टिलाइजर्स, दीस आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट which supply small quantities of nutrients to the soil. Manure के बाद में आता है, based on the types of biological material used, manure can be classified as
किस टाइप का हमने बायोलॉजिकल मटेरियल यूज किया है उस बेसिस पे जो मैन्योर्स हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज कंपोस्ट और वी कैन से वर्मी कंपोस्ट एंड सेकंड ग्रीन मैन्योर। क्लियर? तो अभी हम पहले स्टडी कर लेते हैं अबाउट वर्मी कंपोस्ट। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो कंपोस्ट होते हैं वो रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में और न्यूट्रिएंट्स में, दैट इज उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक रिच क्वांटिटी में, दैट इज लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट बाय यूजिंग अर्थ वर्म्स टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिफ्यूज इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। हम क्या करते हैं, कंपोस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, अर्थ वर्म का यूज करते हैं ताकि वो जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसे फास्ट कर दे, हैस्टन कर दे। हम क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे प्लांट्स डिकम्पोजिशन मटेरियल है, एनिमल डिकम्पोजिशन मटेरियल है, उसको अर्थवॉर्म्स के थ्रू उन्हें कंपोस्ट कराते हैं, आई मीन टू से अर्थवॉर्म के थ्रू उस प्रोसेस को हास्टन कराते हैं, जिसके थ्रू जो कंपोस्ट है उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। ये जो मेथड है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। क्लियर? दैट द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हास्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट के बाद में आता है हमारा टर्म ग्रीन मैन्योर। ठीक है, ग्रीन मैन्योर क्या होता है, सम प्लांट्स आर ग्रोन एंड मल्च्ड बाय प्लोइंग देम इनटू द सॉइल बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो क्रॉप सीड्स को सो करने से पहले जो सॉइल में पड़े रहते हैं उनको प्लोइंग के थ्रू मल्च किया जाता है। ऐसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यही ग्रीन मैन्योर में टर्न हो जाते हैं। क्लियर? That some plants are grown and mulched by plowing them into the soil before sowing the crop seeds, and these green plants turn into the green manure. Advantages क्या होते हैं manure के, हम वो discuss कर लेते हैं। Clear? मैंने आपको बताया manure क्या होते हैं, ये organic substances होते हैं जो soil को nutrients provide करते हैं। ये जो nutrients provide करते हैं वो जो हमारे plants होते हैं वो उनसे soil से intake कर लेते हैं। ऑब्वियसली प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब बात आती है, हम मैन्योर के एडवांटेज देख लेते हैं। मैन्योर एनरिच सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो मैन्योर हैं उनमें सॉइल प्रेजेंट, वो सॉइल को एनरिच करते हैं विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं वी कैन से उसे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, इट ऑल्सो डिक्रीजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ऑन सॉइल। जो मैन्योर है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसके साथ में ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स के, उनको भी डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर? दैट मैन्योर इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स ऑन द सॉइल। It helps in improving soil structure by increasing the water holding capacity in sandy soil and in avoiding water logging and drainage issue in clay soil. ये जो है ये soil की structure को maintain करने के लिए भी हम use करते हैं manure का। ये soil की structure को improve कैसे करते हैं, ये soil की जो water holding capacity है वो increase कर देते हैं। जो भी सैंडी सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने की वजह से जो सैंडी सॉइल है वो प्रॉपरली वाटर को होल्ड कर पाएगी और जो क्रॉप है वो अफेक्ट नहीं होगी। उसके साथ साथ दे आर यूज इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, ये वाटर लॉगिंग को भी अवॉइड करते हैं। एंड ड्रेनेज इशू इन क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में जितने भी हमारे ड्रेनेज इशूज रहते हैं ये उनको भी सॉल्व आउट कर देते हैं। तो जो मैन्योर है वो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। And by the use of biological waste material, one can also contribute in protecting the environment from excessive use of fertilizers. Clear है? जो हमारे biological waste materials हैं, उनका use करके एक person क्या करता है? Environment को protect करता है from excessive use of fertilizers. Fertilizers क्या होते हैं? Fertilizers chemical compounds होते हैं जो जो soil है उसको nutrients provide करते हैं, but वो हमारे environment के लिए harmful भी रहते हैं। तो यदि हम फर्टिलाइजर्स की जगह पे मैन्योर यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। इज दैट क्लियर टू यू, दैट बाय द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल वन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो मैन्योर हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ फार्म वेस्ट। फार्म वेस्ट की जो रिसाइकलिंग होती है उसमें भी मैन्योर हेल्प करता है। क्लियर?
इट्स ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म, और इसका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल ऑर्गेनिज्म को फूड भी प्रोवाइड करता है। दैट इज प्लांट्स को तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में जितने भी हमारे सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी वो बेटर फूड प्रोवाइड कर सकता है। इज दैट क्लियर टू यू दैट मैन्योर हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ फार्म वेस्ट एंड इट्स ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म। बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैंने अभी आपको मैन्योर के एडवांटेजेस के बारे में बताया, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, not nutrient specific. जो manure होते हैं वो nutrient specific नहीं रहते. As manure are made from animal waste, they may contain weed, which may result in weed growth. जो मैन्योर होते हैं वो एनिमल वेस्ट प्लांट डिस्पोजल से बनते हैं, क्लियर, जिनमें वीड्स प्रेजेंट होते हैं। वीड क्या होते हैं, वो छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप को ग्रोथ होने में डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। तो क्या होता है, जो एनिमल वेस्ट है उसमें वीड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो क्रॉप है उसमें वीड्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज क्या हो गए, मैन्योर्स आर नॉट nutrient specific and as manure are made from animal waste they may contain weed which may result in weed growth. Also manure also contain high level of salt which may damage roots of the plant. Jo manures hain unme high level of salts present rehti hain jo plants ki roots ko damage kar sakti hain. Slow in action it takes long time to decompose. Jo manures hain wo action mein slow rehte hain, clear, इसीलिए डिकम्पोज होने के लिए भी उन्हें काफी टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो और दो क्या हो गए हमारे पास डिसएडवांटेजेस, दैट मैन्योर आल्सो कंटेन हाई लेवल ऑफ सॉल्ट्स व्हिच मे डैमेज रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दे आर स्लो इन एक्शन एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या होता है, किस टाइप का मैन्योर हमें चूज करना है, दैट इज मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, मैन्योर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजर्स, देयर एडवांटेजेस एंड देयर डिसएडवांटेजेस, बिकॉज मैन्योर के बाद फर्टिलाइजर्स हम यूज करने लगे इस टाइम पे जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, लेकिन ऐसे उनके क्या एडवांटेजेस हैं जिसके लिए हम उन्हें यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करने वाले हैं। सो टिल देन गुड लक।